The Honorable Dais, Promoter, SRGs, and all the respected colleagues, trainees. Now I am transforming and I am converting myself to Hindi because we can't enjoy this thing, whatever I am going to present in English. So I am using Hindi. ये जो एक नज्म है बहुत खूबसूरत नज्म है नज्म इसकी जो कि अजमल सुल्तानपुरी एक बहुत ही भारत के प्रसिद्ध कवि हुए हैं उर्दू के उनके द्वारा लिखा हुआ है कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में जो इतिहास की विद्यार्थी हैं और हम सबने ही टेंथ तक तो हिस्ट्री पढ़ी है हम सबको पता है कि 1920वीं सदी के प्रारंभ से लेकर के और 1950-60 तक का जो दशक रहा वो हिंदू मुस्लिम राइट्स का रहा कम्युनल डिसहार्मनी का रहा एक सांप्रदायिकतावाद यहाँ पर फैला रहा तो उसके ऊपर उन्होंने जो बहुत सारी मन से लिखी कविता उनको बहुत ही हृदय के अंदर मन से उनको प्रणाम इतनी खूबसूरत लाइनें लिखने के लिए लेकिन जब मैंने उनको सुना मुझे बहुत अच्छा लगा मैं इतना ओवरवेल्म्ड हुआ कि उसको मैं बार बार सुनता रहा पर पता चला कि हिंदुस्तान जो वर्णित कर रहे थे वो तात्कालिक परिस्थितियों का हिंदुस्तान था। उस हिंदुस्तान में एक वो हिंदुस्तान भी है जो हजारों सालों से यहाँ अस्तित्व में था तो उनके गीत की पंक्तियों को मैं आपको पहले 3 लाइन सुना देता हूँ। उनकी पंक्तियां थी मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये उनकी नज़्म थी बहुत खूबसूरत नज़्म है पर मुझे लगा कि भारत बीच में से अजमल सुल्तानपुरी जी ने बीच में से पकड़ा उनकी परिस्थितियों से पकड़ा मुझे लगा कि इसको हमें प्रारंभ से लेना चाहिए तो मैंने उन पंक्तियों में सुधार किया और उस गीत को मैंने अपने तरीके से लिखा है उसी गीत को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। भारत और गौतम का अभिमान भारत और भरत जो राजा है के नाम पे भारत है भारत और गौतम का अभिमान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ मेरे सपनों का हिंदुस्तान मेरे सपनों का हिंदुस्तान न बांग्लादेश न पाकिस्तान न अंग्रेजी न मुगली शान केवल मेरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ वो संस्कृति विश्व की एक महान वो वेद और उपनिषदों की खान वो विश्व का आदर्श एक महान वो मेरा भारत देश महान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ वो संस्कृत श्लोक और हिंदी गीत वो प्राकृत पाली का संगी देहाती बोलियां जहां अनेक बांटती प्यार वो करती एक मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम जहाँ की श्याम सलोनी शाम जहाँ सूफी संतों की तान जिसका भगवान करे गुणगान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जहाँ थे आर्यभट्ट मिहिर जहाँ प्रताप सरी के वीर जहाँ थे तुलसी और कबीर
परम भक्त हनुमान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे पुरखों की जागी, वो मेरे पुरखों की जागी, ढाका काबुल और कंधार। हम महाभारत में जहाँ पढ़ते हैं तो कंधार से लेके ढाका तक पूरा लगभग हिंदुस्तान ही था। तो वो मेरे पुरखों की जागीर, ढाका काबुल और कंधार। और आपको आपने ध्यान दिया हो तो अगर कंधार से लेकर के हम ढाका को जोड़ते हैं तो भारत का जो चित्र बनता है भारत माँ का, वो एक शेर की तरह तस्वीर बनती है। तो ये अजमल साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की थी। वो मेरे पुरखों की जागीर, ढाका काबुल और कंधार। वो इसकी शेर किसी तस्वीर, वो इसकी शेर किसी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ की पावन पवित्र समीर, जहाँ की पावन पवित्र समीर, जहाँ का स्वर्ग समान कश्मीर, जहाँ का स्वर्ग समान कश्मीर, जहाँ का पावन गंगा नीर, जहाँ सोने सारे गिस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। भरत और गौतम का अभिमान, भरत और गौतम का अभिमान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जय हिंद।